ओके, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। प्रोमो बहुत बेहतरीन लग रहा है और आप बहुत बेहतरीन लग रही है प्रोमो में, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत ही बेहतरीन जर्नी की एक नई शुरुआत हो रही है। थैंक यू सो मच। आप दोनों को, आप दोनों को देखिए, जब कर रहे थे वो प्रोमो, पहले हमने प्रोमो किया शो का, उसके बाद हमने शूटिंग शुरू की, तब तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब इतना पसंद आएगा प्रोमो, मगर जिस तरह से प्यार आप सबका मिल रहा है, आपकी आंखों में जो चमक देखने को मिल रही है मुझे, उससे लग रहा है कि सच में अच्छा लग रहा है। और बस पॉजिटिव हूँ कि जब शो 27 फरवरी को रात को 9 बजे कलर्स पर आएगा, तो आप सबका प्यार जेन्युइनली मिलेगा और अपना टाइम स्पेंड करेंगे हमारे शो के साथ और हर रोज उसको देखेंगे रात 9 बजे। ओके, आपके कैरेक्टर को लेके काफी जो सिस्टर है काफी परेशान है आपको लेके, कि एक किस तरह से एक अच्छा पति मिले, वो क्या कहना चाहोगे इसको? वो मुझे लेकर परेशान नहीं है, वो इस बात से परेशान है, परेशान नहीं होंगी मैं, परेशान आई थिंक इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज। नहीं, एक तो टेंस है ना कि हाँ मेरे लिए मतलब एक सिस्टर के लिए बहुत अच्छी एक लड़का चाहिए, जीवन साथी। तो लक्ष्मी इज समबडी जो अपना अपना शॉप संभालती है, जो उसके पापा का है, उसके मम्मा पापा नहीं है, एंड जो कुछ है उसके लिए उसकी दीदी है। सो इसीलिए दीदी को ये टेंशन है कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी लाइफ में ना आए, एंड दैट इज़ वाई वो मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना चाहती है जो मुझे रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यू नो जनरली रिलेशनशिप्स में लोग लव को पहले रखते हैं रादर देन रिस्पेक्ट, एंड दैट इज़ व्हाट शी इज़ वांटिंग फॉर मी। लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही एम्पैथेटिक, बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल है जो सबके बारे में सोचती है, एंड सबके बारे में सोचने के बावजूद भी जहाँ पे गलत है वो अपना खुद का स्टैंड लेती है। सो आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ माय कैरेक्टर। मैम आपसे जानना चाहेगी कि अगर हम प्रोमो में देख रहे हैं कि आप खाना भी बना रही है, वी हैव सीन यू, तो जो पति है काफी नाराज रहता है आपसे, वो कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेगा। आपके हस्बैंड काफी नाराज रहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो सही तरह की नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो काफी एडुकेटेड है मैरिटल लाइफ से, लेकिन वाइफ काफी खुश करने की कोशिश करती है, क्या कहना चाहेगा? वही कि मंगल जो है बहुत ही सेल्फलेस है और बहुत फैमिली में एक स्ट्रांग बैकबोन है, पर साइलेंटली है, कभी क्रेडिट नहीं मिलता उसको उसकी चीज़ों के लिए, और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, घर को बहुत अच्छे से संभालती है, बच्चों को अच्छे से संभालती है, सबको टाइम पे टिफिन देती है, तो बहुत सारे काम करती है, और उन कामों में कई बार जो है कुछ ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं आदित्य ना खुश रहते हैं जो मंगल से, और मगर साथ ही साथ इतनी सब चीज़ों के साथ में अपनी बहन का भी, अपनी फैमिली का भी, मायके में भी ध्यान रख रही है और चाहती है कि मेरी बहन को मिले एक ऐसा, क्योंकि उसने एक ह्यूमिलेशन अपनी मैरिटल लाइफ में देखा है कि बार बार डिसरिस्पेक्ट झेलनी पड़ती है उसको आदित्य से, बार बार डांट खानी पड़ती है, बार बार वो सॉरी बोलती रहती है अपने हस्बैंड को हर चीज़ के लिए, और वो पर एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी लेडी है मंगल, कि कभी भी ना वो ये नहीं सोचती कि ये मेरे से वो यही सोचती है अपने ऊपर कि मेरे से गलती हुई है, मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, वो अपने ऊपर लेती है, वो कभी ये नहीं सोचती कि उसको अगर डांटा गया है तो शायद इसको गुस्सा है या ये मतलब कुछ रॉन्ग है, वो हमेशा अपने आप को बेटर बनाने के लिए ट्राई कर रही है, मगर साथ ही सबकॉन्शियसली चाहती है कि मेरी बहन के साथ में ऐसा ना हो, उसको मिले एक ऐसा वर जो उसका करे सम्मान, चुटकी भर सम्मान वो अपनी बहन के लिए चाहती है। ऑलरेडी आप दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कैसा रहा आप दोनों का जो बातचीत हो, कितनी केमिस्ट्री है वो अगर आप बता सके, कितने आप लोग मतलब बातचीत कर रहे हैं ऑफ स्क्रीन, मतलब और आप कितना कुछ सीख रहे हैं मैम से? ऑफ स्क्रीन तो हम लोग का बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, जो ऑन स्क्रीन भी आपको देखने मिलने वाला है, एंड फ्रॉम द डे वन हम दोनों हैव बीन क्लिकिंग सो वेल, एंड आई एम रियली होपफुल कि वो हमारा बॉन्ड वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि वो स्क्रीन पे वैसा ही रिफ्लेक्ट होने वाला है। यस, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, तो उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, खुद के एक्सपीरियंसेस से तो इंसान सीख ही लेता है, बट आई एम समबडी जो सेट पे सबसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उठाती रहती हूँ, सो इट्स वेरी नाइस। एक्टिंग के बारे में कितना कुछ सीखा है आपने, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट शो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कितना कुछ आप एक्टिंग सीख रही है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एक्टर्स होते हो काफ़ी मतलब आप समझ रहे कि काफ़ी मिस्टेक्स भी होते हैं, ये हम तो जानते ही है, लेकिन आप कितना कुछ सीख रहे हैं?
सो एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टर हमेशा से बनना था और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ एक रेडियो जॉकी होने के साथ साथ. सो एक्टिंग का वैसा एक्सपीरियंस रहा है. मैंने बहुत ही रिसेंटली में थिएटर के एक दो शोज भी किए थे. सो वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट थिएटर और स्क्रीन ये बहुत दो अलग चीज़ें हैं. तो स्क्रीन की चीज़ें मैं इन लोग से सीख रही हूँ, माइक पे आना, फिर कैमरा अगर सामने, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा, ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ. और मुझे ऐसे लगता है कि समय के साथ साथ, एज आई ऑलवेज बिलीव कि एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर, तो ये मेरा बिगिनर वाला जर्नी है जो इस शो से शुरू हो रहा है. बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि ये मैं अच्छे से करता हूँ. मैम आप कितना चेंज देख रही है कि न्यू कमर लोगों के साथ जब आप काम कर रही है और आपने भी एक जर्नी स्टार्ट की थी, तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? आई थिंक यू हैव टू वेरी पेशेंटफुल एंड एट द सेम टाइम, देखिए एक्सपीरियंस आपको यही सिखाता है कि आप अपने साथ के लोगों को और ग्रो करने का मौका दें. और क्योंकि कभी आपका भी पहला दिन था, तो इसमें मैं खुद अपने आप को देखती हूँ कि कभी मेरे भी पहला दिन था, शुरुआत थी जहाँ आई वॉज अवे फ्रॉम द फैमिली और एक नए करियर की शुरुआत हो रही थी, नए चैलेंजेस थे हर चीज को लेकर, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, सीन्स में बेस्ट डिलीवर करना हो. बहुत सारे स्ट्रेस होता है जो एक यंगस्टर जब नया नया एक इंडस्ट्री में आता है और साथ में उसकी खुद की कितनी समझ होती है उन चीज़ों को लेकर, वो कैसे स्ट्रेस को मैनेज करता है, तो वो सब चीज़ें. बट सानिका इज अ वेरी यू नो सॉर्टेड ह्यूमन बींग एंड वेरी काम ह्यूमन बींग, वेरी इंटेलिजेंट शी इज. शी इज अ राइटर ऑल्सो एंड शी इज अ सिंगर ऑल्सो. एट द सेम टाइम शी does a good practices like meditation, vipassana उन्होंने सीखा है, meditation जो इतना tough meditation होता है. तो that's why I think her focus power is so strong and she is energetic, she is there on the scene every time and she want to you know bring the best out of her. तो वो एक वो चीज़ देख के बहुत खुशी होती है कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ वर्क चांस टू लाइक आई गॉट हर एज लक्ष्मी. ओके जैसे कि आपने जब भी प्राइम टाइम शो किया हो तो वो टीआरपी में हिट होता है जब हम जानते ही हैं, तो ये शो से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना हिट मतलब नंबर वन शो कितना हो पाएगा? देखिए ये मेरा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है. मुझे लगता है मैं ऑलरेडी लोगों के जहन में हूँ एज एन एक्टर, कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हूँ. तो अभी मेरे मुझे यही है कि ये कैरेक्टर बस लोगों तक पहुँच जाए. और ये कहानी हर एक औरत की है, हर एक इंडियन वीमेन की है जो बहुत सारा सेक्रीफाइस सेल्फलेसली कर रही है और उसको फिर भी वो क्रेडिट नहीं मिलता है. तो हम वही मांग रहे हैं # चुटकी भर सम्मान. और मुझे लगता है एक बार वो शो देखेंगे अगर वो यू नो थोड़ा सा टाइम हमें देंगे तो दे विल लव गोना लव दिस शो. टाइटल की बात करें मंगल लक्ष्मी, बहुत बेहतरीन टाइटल दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा. मंगल लक्ष्मी, मैं दो बहनों की कहानी है और बहुत खूबसूरत दो बहनों की कहानी है जहाँ पे दो बहनें दो औरतें जो है अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है और जहाँ पे हम कहते हैं यू नो कि औरत ही औरत का साथ, इसमें दिख रहा है कि एक औरत कैसे एक दूसरी औरत का सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है. हमें मोस्टली औरतें एक दूसरे को पुल आउट करते हुए देखती हैं, नीचे गिराते हुए देखने को मिलती हैं या एक दूसरे से लड़ते हुए देखने को मिलती हैं, जेलसी करते हुए देखने मिलती हैं, मगर यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, जो कि बहुत ही एक अनयूजुअल केमिस्ट्री है और अपने आउट ऑफ द वे जाकर. तो बहुत ही सुंदर कहानी है, मुझे लगता है एक बार लोग जुड़ेंगे तो वो बन जाएंगे इस कहानी से. ओके शो आपने तो की है सक्सेसफुल, फिल्म भी आपकी बहुत लोगों ने पसंद की जहाँ पर आप एक हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी है, जिस तरह हस्बैंड अनसक्सेसफुल रहता है वो कहानी बहुत बेहतरीन रही, बहुत लव स्टोरी कहानी थी. हाउ वाज एक्सपीरियंस, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहिए, लोगों का बहुत प्यार मिला और क्रिटिक्स लोगों ने भी काफी तारीफ की है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगता है मुझे. टीटू अंबानी के लिए अभी तक 4 अवार्ड मिल चुके हैं और तुषार पांडे के साथ मेरे को स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, उनसे बहुत सीखने का मौका मिला, रघुवीर सर के साथ काम करने का मौका मिला, वीरेंद्र सक्सेना जी, सपना सेन जी, समता जी, सब बेहतरीन लेजेंड एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनके साथ मुझे इस फिल्म पर काम करने का मौका मिला. आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड रोहित जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल फिल्म लिखी टीटू अंबानी, और साथ में प्रोड्यूसर संबल प्रोडक्शन जिन्होंने चूज किया कि मैं वो रोल करूँ मौसमी का, जो कि इतना
कवरिंग था, जो कि बात अगेन एक विमेन एम्पावरमेंट की कर रही थी. तो आई एम ब्लेस्ड एज एन एक्टर कि मुझे वो करने का मौका मिला, और ज़्यादा खुशी होती कि मुझे और फिल्में और वेब सीरीज मिलते. तो बट वो कहते हैं ना कि आप अपने आप से सोचो तो बहुत अच्छा, जब ऊपर वाला सोचे तो और अच्छा. तो ये ऊपर वाले की सोच थी कि मैं मंगल लक्ष्मी में मंगल बन रही हूँ, और खुश हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी आंखों में जो वार्मथ है, जो टीवी पे एक्सपोजर है, हर रोज दिखने का जो चार्म है, वो एक अलग ही है. ओके, आखिर में आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे, और इस तरह की जिस तरह की आपने फिल्म की है, क्या आगे जाके भी इस तरह की फिल्में आप करना पसंद करेंगे, कुछ अगर आप बता सके. देखिए, वो फिल्म भी मेरे तक अपने आप आई थी. अगर अपने आप कुछ काम आता है तो डेफिनेटली आई विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट. अभी तो मेरा सारा ध्यान मंगल लक्ष्मी पे ही है. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे टीवी को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि हम बड़े पर्दे में जाएं. टीवी से बहुत लोग सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, लेकिन बाद में टीवी को गालियां देते हैं बहुत सारे एक्टर हमने देखे. तो आप किस तरह की जर्नी करने वाली है टीवी की? टीवी बहुत बड़ा है, हर घर घर तक पहुंचता है, और बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी बनते हैं और पैसे भी बहुत कमाते हैं. तो आपकी जर्नी क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि जो भी है, यूनिवर्स ने मुझे आज तक दिया है, भगवान ने मुझे आज तक दिया है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस के तौर पे हुई है, एंड आई रियली फील कि जो वो चाहेगा ऊपर वाला वो तो होते रहेगा, एंड जो होगा बेस्ट होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो बात है. आई वुड रियली लाइक टू वर्क इन वेब सीरीज एंड फिल्म्स, ऑफ कोर्स, नो डाउट, क्योंकि वो एक अलग जॉनर है, उसका एक अलग ऑडियंस है, यहाँ का एक अलग ऑडियंस है. और इस शो से मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीखने वाली हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो बहुत सीखने मिलने वाला है. हर रोज़ जब तुम एक कैरेक्टर अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू जब गुजरेगा, तो वो सीखता जाएगा कि कैसे सिचुएशन में तुम कैसे हो, कैसे रिएक्ट करते हो. तो आई थिंक दिस इज़ अ ट्रेनिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. वन लास्टली मैसेज टू योर फैंस, लवली फैंस. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज शोइंग योर लव सपोर्ट ऑन मी. और बस यही चाहूंगी कि फाइनली आपका वेट जो है खत्म हो रहा है. मैं आ रही हूँ 27 फरवरी को, मैं और लक्ष्मी दोनों, हमारा शो आ रहा है मंगल लक्ष्मी 27 फरवरी को रात 9 बजे, ओनली ऑन कलर्स. तो जरूर इसको अपना प्यार दें, सम्मान दें, और डेफिनेटली हम आपको गारंटी देते हैं कि दैट आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज, बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन से आपको जुड़ने का हम मौका मिलेगा. आपको एक बहुत बेहतरीन स्टोरी मिलेगी. तो बस अपना साथ बनाए रखें और हम साथ बनाएंगे अच्छी परफॉर्मेंस देकर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.